हमने यहाँ पे गन बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक 3.5 इंची का पाइप ले लिया है। अब अपने हिसाब से कोई सा ले लेना। इसको हमने आधा काट के इसकी गैस पे गर्म करके इसकी हमने सीट बना ली है। और मैं आगे को बताऊंगा आगे को क्या करना है। अब हम अपने हिसाब से इसको यहाँ से आधा काट लेंगे। अब अपने हिसाब से कोई कितना भी काट लेना, तो मैं आपको काट के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये बीच में से काट लिया है। अब मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। तो यहाँ पर हम इसको जो हमने ये गरम करके सीट बनाई थी इस पाइप की, यहाँ पर इस तरह से रख के इसके दो गोले काटनी है। मैं बताऊंगा ये मैं किस लिए काट रहा हूँ, तो मैं आपको काट के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये दो गोले काट लिए हैं जो हमने सीट बनाई थी उसमें से। अब हमको एक स्पीकर लेना है। आप कोई सा भी स्पीकर ले लेना। अब हम एक को इस पर रखेंगे इस तरीका से। अब हमको इसके ये बीच में से काटना है, इसकी शेप से ऊपर की बॉडी रहन देनी है। तो मैं आपको काट के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो ये दो पीस काटे थे उसके सीट के, तो फ्रेंड्स मैं इसकी जगह पर मैंने यहाँ पर एक MDF कोड का ले लिया है और मैंने इसको ये बीच में से काट लिया है जिससे कि ये हमारे स्पीकर के ऊपर आ जाए। तो हमें यहाँ पर ये चिपकाना है, मैं आपको चिपका कर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले हमें इस पर चिपकाना है, स्पीकर पर नहीं चिपकाना। पहले हम इस पर इसको मजबूती से चिपका लेंगे ताकि ये निकले नहीं। तो मैं आपको चिपका के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर उसको लगा दिया है टेप और फेविक्विक की सहायता से। अब हम इसमें ये स्पीकर लगाएंगे इस तरीका से, इसके अंदर इसको फिट कर देंगे इस तरीका से। तो मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ PM4403IC। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको कनेक्शन नहीं बताए, कनेक्शन सेम है। अगर आपने मिनी एम्पलीफायर वाली वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो देख लेना, आपको कनेक्शन समझ में आ जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सारे कनेक्शन कर लिए हैं, हमने इसमें लगा दिया है उसको। और यहाँ पर ये हमने ऑक्स लीड निकाल ली है और यहाँ पर हमने ये दो पाइप और काटे हैं PVC के, इसके अंदर छेद करके इनको लगा दिया है ताकि इसे पकड़ने के लिए। और यहाँ पर जो हमने दूसरा पाइप काटा था उसको गैस पे गर्म करके इस पे लगा दिया है, ये देखिए इस तरीका से। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इस वाली ब्लूटूथ का यूज कर रहा हूँ। ये मैंने पुराने होम थिएटर को ब्लूटूथ होम थिएटर कैसे बनाया उसमें बनाकर दिखाई थी। वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसको ब्लूटूथ को लगाता हूँ इसमें। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये ब्लूटूथ लगा लिया। अब इसको यहाँ से ऑन करेंगे, अब ब्लूटूथ ऑन करेंगे। ये चालू हो गया। अब मैं आपको बता दूँ इसमें कैसे साउंड चलानी है। आप यूट्यूब से देख लेना, किसी गन के साउंड, बम के साउंड, बहुत साउंड है। तो मैं आपको गन के साउंड चला कर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये अभी पार्ट वन है। पार्ट टू में हम आपको यहाँ पर इसका डेकोरेशन करके लाइट लगाएंगे, लेजर लाइट, जिससे कि लंबी लाइट जो लंबी मारे, लेजर लाइट लगाएंगे। और इसके अंदर हम और भी कुछ बहुत चीज़ डालेंगे, वो आपको हम पार्ट टू में दिखाएंगे। अभी ये पार्ट वन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।